हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट विद एसके वर्मा में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय सिमुलतला जमुई का जो प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा आज 9/12/2021 को हुआ है, उसका जो है आंसर इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सभी लोग जो है तैयार हो जाएं। और ये देखिए, प्रश्न पुस्तिका कोड जो है जी है, आप लोगों का अलग अलग होगा, तो आप क्वेश्चन से जो है उसका मिलान जो है करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे जो है केवल आंसर सबको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे बता दें कि आज जो एग्ज़ाम हुआ काफ़ी बढ़िया से हुआ, और क्वेश्चन का लेवल भी जो है मतलब ज़्यादा नहीं था, इजी ही था, इजी टू मीडियम। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है मैथ का क्वेश्चन है, और यहाँ पे ऑप्शन के साथ जो है आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो जहाँ भी आपका ये क्वेश्चन होगा आपके प्रश्न में, वहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका अलग भी हो सकता है लेकिन ऑप्शन सबका सेम होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो दूसरे वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि 150 प्रश्न को जो इस वीडियो में सॉल्व करना है, तो आप केवल आंसर इसको मिलाते जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। दूसरा जो है, एक घन में किनारों की कुल संख्या कितना होता है। जैसे एक घन बनाएंगे इस टाइप से, तो इसमें किनारा की कुल संख्या कितना होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए, तो अगर काउंट करेंगे तो दूसरे कलर से हम काउंट कर लेते हैं, तो एक किनारा हो जाएगा 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 और 11 और 1 अंदर वाला 12, यानी टोटल जो है किनारा कितना हो गया 12 गो। अर्थात यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 12। अब अगला है, एक घन के सतहों तथा शीर्षों की संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सतह होता है 6 गो और शीर्ष जो है, शीर्ष आपका 8 गो होता है। तो 8 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो तीसरा के जो है ऑप्शन नंबर ए 48। नेक्स्ट जो है, 1 से 30 के बीच अभाज्य संख्या की कुल संख्या कितना होगा। तो आप काउंट कर लेंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, फिर 17 होगा, 19 होगा, फिर उसके बाद 23, उसके बाद हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही हो जाएगा, तो इसको गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, यानी कि कुल संख्या कितना है 10। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये पांचवा क्वेश्चन, तो इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी 8.004, यानी 3 गो 0 होगा, 1 गो 4 होगा। 7वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0.0011 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100.001 लीटर। उसके बाद जो है 9 नंबर क्वेश्चन जो होगा, इसका जो ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 161। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो है 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100.01। नेक्स्ट है 13 नंबर, 6 बजे घड़ी की मिनट तथा घंटे की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी के टी अक्षर में कितने सम कोण है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि इस तरह से यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ 1 समकोण और ये वाला 2 समकोण, तो इसमें 2 समकोण जो है बन सकते हैं, आपको आंसर होगा 2। नेक्स्ट है, 24 घंटे के प्रारूप में 9:25 PM हो रहा है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, तो 21:25,
इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर कि निम्न में कौन सा भिन्न 4/7 के समतुल्य है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की भुजा दुगनी कर दे तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो 16 का क्षेत्रफल, 16 अगर भुजा है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 16 के स्क्वायर 256, और दुगनी कर रहे हैं तो 16 की जगह 32 हो जाएगा, अब 32 के स्क्वायर होता है 1024। जब आप इसको घटाएंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न लिखित में कौन अधिक कोण है? तो 126 डिग्री अधिक कोण है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में कौन न्यून कोण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है 21 नंबर कि 12.6543 में 6 का स्थानीय मान, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 6/10। अगला है 8.5 सेंटीमीटर और इतना चौड़ाई वाले आयत का परिमाप क्या होगा? तो आपका हो जाएगा 27.5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, कहता है इतना का मसा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है 24 नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर का ऑप्शन नंबर डी 79992, यानी कि हो जाएगा 79992, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर कि 68 से भाग देने पर भागफल इतना शेष इतना प्राप्त होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 5/48, ऑप्शन नंबर सी। 29 है कि लसा इसका क्या होगा? 1260, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ये 30 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा 25.04। अगला है एक वर्ग की परिमिति 1 मीटर है, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा? 625, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 0.35 किलोमीटर बराबर कितना होगा? 350 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 33 नंबर जो है, यहाँ पे 4.25 × 4, इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 17। अगला है 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो सही आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल क्या होगा? तो 2 समकोण के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है 36 नंबर, 36 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद जो है 37 नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है 38, तो 38 का सही आंसर आपका होगा 1 मीटर स्क्वायर। कहता 2 मीटर लंबाई 50 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल बताएं। तो 2 मीटर है मतलब 200 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इतना करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका क्षेत्रफल निकालना है, तब 5 × 10 ये हो गया, और ये 3 गो 0 एक्स्ट्रा में हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 × 100 अर्थात 100 सेंटीमीटर × 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर कहते हैं, तो 1 मीटर × 1 मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 39 नंबर, तो 39 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और 40 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 125 सेंटीमीटर क्यूब, 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे विज्ञान का प्रश्न है खंड बी में, तो विज्ञान का क्वेश्चन आप लोग निकाल लेंगे अपना अपना सेट में, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप मिलान करेंगे।
तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है? मधु मोम, यानी कि जो मधु से जो प्राप्त होता है मोम, जो मधु के छाता से, ठीक है, उसको बोलते हैं मधु मोम, तो ये आपका पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। एपिकल्चर निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन में हम मधुमक्खियों को पालते हैं, जिसको एपिकल्चर कहा जाता है। अगला है, लोहे को जंग लगने से कौन बचाता है? जस्ता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, घर्षण को निम्न में से किनके द्वारा कम किया जाता है? तो हम सभी चीज़ करके, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जितने भी चीज़ हैं सभी को हम करके इसमें घर्षण कम कर सकते हैं, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में क्यों स्थिर रहता है? पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विटामिन डी के का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश इसका विटामिन डी का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी। और सभी लोग जो है अपना अपना मार्क्स जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, ताकि इसका हम कट ऑफ भी बता सके कि कितने मार्क्स जो है आप लोग ने प्राप्त किया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पीटी का रिजल्ट हो जाएगा। आपको मेंस का तैयारी करना चाहिए, इसलिए जो है आप सब लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना अपना मार्क्स जो है दर्शाएंगे। अगला है, नीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है आपको जे जे थॉम्सन ने किया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हेल है स्तनधारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पेशियों के में थकान किस कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 53 सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हीरा निम्नांकित में किसका अपरूप है? तो आपका कार्बन का अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट, इसलिए सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नींबू में कौन से अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन जो है अस्थाई होता है, तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर हम जल को बर्फ में बदलते हैं, तो जल को बर्फ में बदलते हैं तो जैसे ही बर्फ में बदल जाएगा तो ये तुरंत फिर से ये पानी अवस्था में आ जाएगा। ये भौतिक परिवर्तन है और ये अस्थायी रूप से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन औषधीय पौधा है? तो इनमें से सभी आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगवाया जाता है? तो BCG का टीका लगवाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो आपका Fe होता है, यानी लोहा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा जाता है? तो आंसर होगा पारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 61 नंबर, इंद्रधनुष बनता है, तो सूर्य की हमेशा विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज में मापते हैं, सही आंसर सी। अगला है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो आपका 7 के बराबर होता है, उदासीन विलयन का pH मान 7। नेक्स्ट है 64 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पारदर्शी है? तो यहाँ पे हो जाएगा सीसा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वाट SI मात्रक है, यानी वाट किसका SI मात्रक है? तो शक्ति का हो जाएगा, सही आंसर सी। अगला है सामाजिक विज्ञान खंड ख ग, और अपना अपना क्वेश्चन देख कर ही मिलान करेंगे। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो प्रधान मध्यान रेखा कहलाती है, सही आंसर ए। अगला कहता है कि अगर आपका मुख जो है उत्तर दिशा की ओर हो तो आपके दाहिने ओर कौन सा दिशा होगा? तो पूर्व होगा इधर, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला है 70 नंबर, प्राचीन काल में कौन चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं पढ़ाने आए थे? वेनसांग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका पावापुरी नालंदा में, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है 72 नंबर कि लॉर्ड बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? तो आपका दार्जिलिंग में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है प्राचीन वेद कौन से है? तो ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 74 नंबर, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो दार्जिलिंग में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता है? तो पुस्तकालय को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के किस जिले में है? तो सासाराम में है और सासाराम रोहतास जिला में पड़ता है, इसीलिए सही आंसर ए। अगला है कौन से जीवाश्म ईंधन है? तो आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सही आंसर मासिनराम, ऑप्शन नंबर सी। अगला हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कब स्थापित हुआ? 1954, ऑप्शन नंबर सी। अगला है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला 81 नंबर, बिहार के से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 82 नंबर, बिश्नोई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 83 नंबर, बिहार बंगाल से किस वर्ष पृथक हुआ? बिहार बंगाल से जो है 1912 ईस्वी में पृथक हुआ, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है पनामा नहर जोड़ती है तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा आपका बी। अगला जो है 85 नंबर, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी, ऑप्शन नंबर डी। वेद कितने हैं? 86 नंबर है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। अगला है 87 नंबर, पृथ्वी का कितना क्षेत्र जल से ढका है? तो लगभग 71%, सही आंसर डी। अगला है कौन त्यौहार फसल कटाई से संबंधित है? तो पोंगल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है माउंट एवरेस्ट अवस्थित है तो कहाँ में? तो नेपाल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है आपका हिंदी का प्रश्न कि अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो आपको बिंदु लगा देने से उसको अनुस्वार पढ़ा जाता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रबिंदु नहीं होगा, चंद्रबिंदु लगाने से अनुनासिक होता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला है अड़ और अढ़ क्या है? तो यह द्विगुण व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है हुआ यू की खाली स्थान शीर्षक पाठ में बोधराज किसकी भूमिका निभाने में परेशानी हो रही थी? तो माँ की भूमिका को निभाने में परेशानी हो रही थी, अगला है ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 94 का कृत किसका भेद है? तो कृत जो है ये प्रत्यय का भेद है, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होता है वो, ऑप्शन नंबर बी। अगला है घर बसाना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो विवाह करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है? तो धनहीन, यानी धन से हीन, तो धन से हीन, तो इसमें से चिन्ह आ रहा है और से चिन्ह आ रहा है तो आपका अपदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में कौन उष्म व्यंजन नहीं है? तो म उष्म व्यंजन नहीं है, बाकी सभी हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला है टिपटिपुआ शीर्षक लोक कथा में भोला का क्या गायब था? तो गधा गायब था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में किसकी ध्वनि छिपी होती है? तो अ की ध्वनि छिपी होती है, जैसे कुछ भी पढ़िए क तो अ लास्ट में होता है, तो अ आंसर होगा, यानी कि अ, ऑप्शन नंबर डी। अगला है शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला 101 है नासिका शब्द है, तो ये आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगला है 102, पूर्ण अनुनासिक ध्वनि कौन है? तो आपका अनुस्वार, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है, प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? तो पराजय में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, संत कवि हिंदी कबीर हिंदी के किस काल के कवि थे? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भक्ति काल के। नेक्स्ट है, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो आपका चांदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो मुक्ताक्षर अ आ रहा है लास्ट में, इसीलिए स्वर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पदक्रम की दृष्टि से सही वाक्य कौन है? तो यह काम जल्दी जल्दी करना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला से कौन से शब्द नहीं है? देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो है 109 में बी भी मारे होंगे, तो बी भी जो है आंसर यहाँ पे सही ही लग रहा है। तो आप लोग कौन से मारे हैं, उसका क्या आंसर होगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में देंगे। ऐसे मेरे अनुसार जो है इसका सही आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला से संबंध शब्द नहीं है? तो आपका कामना, ठीक है, क्योंकि ये सभी जो है कपड़ा का पर्यायवाची है, डी जो है नहीं है। नेक्स्ट है, परसर्ग को का प्रयोग प्रायः किसके साथ नहीं होता है? तो आपको यहाँ पे बता दे, अचेतन पदार्थों के साथ नहीं होता है, चेतन पदार्थों के साथ होता है। जैसे अगर हम कहेंगे कि राम आम को खाता है, राम आम को खाता है, तो ये थोड़ा सा बेढंगा लग रहा है ना, क्योंकि आम क्या है, अचेतन पदार्थ है। तो इसीलिए जो है ये आपका ये को यहाँ पे नहीं लगेगा, केवल होगा राम आम खाता है ना, इसीलिए अचेतन पदार्थों के साथ को चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अगला है, भूखा शब्द में किसका किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आ, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है 113 नंबर, मूर्तिवत शब्द का अर्थ क्या होता है? मूर्ति के जैसा। नेक्स्ट है, भारतीय शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक, क्योंकि इसमें जो है भारत में य प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। अगला है 15 नंबर, कलम शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे जातिवाचक, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 116 नंबर, आज़ादी में जीवन शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? भगवती प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मदर ट्रेसा के बचपन का नाम क्या था? तो एग्निस गोजा बोजा क्यू था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किरण शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो यहाँ पे मयूख, ऑप्शन नंबर डी, मयूख होगा। अगला है, विशिष्ट का विलोम क्या होगा? तो सामान्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, अंधेर खाता मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अन्याय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अंग्रेजी का प्रश्न, तो कहता है अस्पैरो ईग्स आर क्या होगा? पेल ग्रीनिश वाइट, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, द इजलैंड इज सो स्मॉल दैट देयर आर ओनली 5 हाउसेस, खाली स्थान इट, तो यहाँ पे ऑन इट होगा, हाउसेस ऑन इट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मिस स्पेल्ट वर्ड कौन है? एग्जाम्पल आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, हु सिंग लालाबाइज एट नाइट इन लवली मून मदर्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, ए डिजीज एफेक्शन मेनी पर्सन एट द सेम टाइम एंड प्लेस इज क्या होगा? द पैनिका, आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्टिंजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 127, द अपोजिट फॉर्म ऑफ फॉर्मर, तो इसका लेटर हो जाएगा, लेटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इन जेसस टू सपर द पुअर ओल्ड कपल वेंट टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है यहाँ पे डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है दी खाली स्थान नॉट नोन मी, तो आपका डू हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ए खाली स्थान और बर्ड, तो यहाँ पे क्राउड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ये आपको पैसेज को जो है पढ़ना है और इसके नीचे दिए हुए प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए कहता है हाउ मैनी एग्स कैन ए क्रो ले एट ए टाइम, एक टाइम में क्रो कितने अंडे देते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ले 4 eggs एट ए टाइम, तो यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है वेन डू अदर क्रो हाउ अवर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्रो आर नॉट फाउंड इन अंटार्कटिका, सही आंसर बी। नेक्स्ट है द फेवरेट फूड ऑफ द क्रो इज डेड एनिमल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वेयर डू क्रो लाइक टू लिव, तो इन ओपन स्पेस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हो जाएगा इन इंजॉयड द स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, इन द स्मेल ऑफ ब्रेड द साउंड ऑफ मनी, ए पुअर मैन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन आपका फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 140 नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप। नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज स्टैंड्स फॉर विथ ऑल बिलोइंग्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो है 141 नंबर सी विल खाली स्थान यू ए न्यू पेयर ऑफ क्लॉथ्स ऑन योर बर्थडे, गेटिंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला है फाइंड द वर्ड मीनिंग फोई, तो फोई का होगा आपका इनेमी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है वन हु बिलीव्स इन गॉड इज थीस्ट, मतलब जो ईश्वर में विश्वास करता है, क्रीव मीन्स क्या होगा, ए नंबर ऑफ शीप, ऑप्शन नंबर बी। अगला है इन थ्री लिटिल पिग्स द फर्स्ट पिग बिल्ट इज हिज हाउस आउट ऑफ स्ट्रा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है वी खाली स्थान बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है द प्रिसोनर वाज हैंगिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है देयर इज ए टेम्पल, तो सही आंसर ए क्रॉस, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका यहाँ पे जो है सारा क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया, और अब यहाँ पे आपको लोग बता दें कि कितने मार्क्स जो है आप लोग अगर ला रहे होंगे तो सेफ जोन में हैं। तो आप लोग का अगर मार्क्स जो है 120 प्लस आ रहा है, तो ओबीसी और आप जनरल में अगर आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपको संभावना है इतना तक जो है आपको रिजल्ट हो जाएगा। अगर ओबीसी के बाद ईबीसी एससी एसटी में आते हैं तो इससे कम भी हल्का फुल्का रहेगा, तो आपको चल सकता है काम। लेकिन जनरल के आपको 125 प्लस ही रहना चाहिए, ठीक है। ओबीसी के 120 प्लस रहेगा तो आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा, ठीक है, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपना अपना मार्क्स जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि और भी बढ़िया से जो है हम आप लोगों को कटअप जो है एग्जैक्ट बता सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।